हाय फ्रेंड, आज हम लोग पहुँचे हैं कीर्ति मैदान। कीर्ति मैदान ये दिल्ली है, जहाँ पे पहले मेट्रो का स्टेशन नाम भी था कीर्ति मैदान, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। वैसे ये कीर्ति मैदान में 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं अपने, ये एक तरह से कहें तो मैदान में मेला लगाने आते हैं। और इस मैदान में पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य से अपने अपने एक स्टॉल लगाया जाता है, और उस स्टॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उद्यमी अपना सामान लेके आते हैं और वहाँ पे प्रदर्शनी में लगाते हैं कि हमारे काम उद्देश्य क्या है, हमारे सामान के क्या फ़ायदे हैं। और बहुत ही सस्ते दाम में अच्छे क्वालिटी के सामग्री यहाँ बेचते हैं, ताकि दो माध्यम होता है, एक लोगों के पास एक अच्छी क्वालिटी की सामग्री जाए और दूसरी उस कंपनी की प्रचार प्रसार हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैक्यूम जो है सो बताया जा रहा है कि छोटे कार्य के लिए, जैसे अगर आपको डस्ट बेड पे है तो उसको कैसे खींचा जाए, ये सब बताते हैं। बच्चों का खिलौना है, तो इसी तरह से पूरे देश से आते हैं लोग यहाँ पे। और 28+8 यानी आप समझ रहे हैं, 28 जो मेरे देश के राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं, वो सभी राज्य के लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि यदि कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश और गुजरात का सबसे अच्छा स्टॉल लगा है। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो केरला बहुत अच्छा था। वैसे मैं आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या सब हैं आगे। ये मेरे विवेक मित्र जी हैं, ये राकेश जी हैं, और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो खैर, आइए आपको दिखाते हैं कि आगे और क्या सब है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ कुछ लेना हो तो हर वर्ष लगता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रथम वर्ष है या लास्ट वर्ष है, ये हर वर्ष लगता है। यानी आप 14 नवंबर से लेके 27 से 26 नवंबर के बीच में आप आके इस मेले को देख सकते हैं। इसके लिए अगर आप इसमें इंस्टॉल लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अगर MSME रजिस्ट्रेशन है तो आप महीना दो महीना पहले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फिल होता है और आप ऑनलाइन फिल करके आप इसमें आकर अपना इंस्टॉल लगा सकते हैं, और इंस्टॉल लगाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट से भी परिचित हों। यदि बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे अच्छा मैंने देखा कि वहाँ पे एक लीची का स्टॉल लगा हुआ था, मुजफ्फरपुर के वो थे, मुजफ्फरपुर लीची, और जो बताया मैं आपको बता दूँ, वो रहने वाले समस्तीपुर जिला के थे। उन्होंने 40 रुपये पर ग्लास लीची का जूस जो है बताया पिलाया। उनसे मैंने पूछा कि ये क्या ये फ्लेवर है, तो उन्होंने बताया नहीं ये फ्लेवर नहीं है, ये रियल है, जूस निकाला हुआ है। तो अच्छा टेस्ट अच्छा था, बेहतरीन था। और भी अगर बात करें तो आगे मैंगो जूस था, बहुत तरह से अलग अलग तरीके के जो थे प्रोडक्ट थे, बच्चों के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था। कहने का है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाता, जो भी आप ढूंढते आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाता। तो बहुत सारे लोग पूरे देश से वहाँ पे आते हैं और पूरे विदेश के भी, जैसे कि अफगानिस्तान हो गए, वहाँ के भी लोग अपना आए हुए थे, अफगानिस्तान हो गए, तो ये सारे जो हैं सो वहाँ पे लोग इंस्टॉल लगाए हुए थे। मैं उनका फुटेज आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से वो अपना इंस्टॉल लगाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह, और लोगों से भी शेयर करें ताकि ये उनको इन बातों से परिचित हो सकें और अगले वर्ष वो भी अपना इंस्टॉल लगा सकें, अगर वो MSME के तहत रजिस्टर्ड हैं तो फिर, और आपको मदद भी की जाएगी।